हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, एंटीलॉप लाइक मैमल फ्रॉम भूटान रिकॉर्डेड एट लोवेस्ट एलिवेशन इन वेस्टर्न असम। तो क्या है देखते हैं। द मेनलैंड सिरो एंड द मैमल दैट लुक लाइक अ क्रॉस बिटवीन अ गोट एंड द एंटीलॉप हैज बीन रिकॉर्डेड एट द लोवेस्ट एलिवेशन बियॉन्ड भूटान इट्स नेचुरल होम इन असम। तो यहाँ असम की बात हो रही है। द मेनलैंड सिरो एट रायमोना नेशनल पार्क इन वेस्टर्न असम। तो रायमोना नेशनल पार्क वेस्टर्न असम में है। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट रिकॉर्डेड अ लोन मेनलैंड सिरो, ठीक है, इसका नाम आप साइंटिफिक नेम ये देख लीजिए है कैप्रिकोनिस सुमात्राइनिस थार एट 96 मीटर अबव द मीन सी लेवल एट द रायमोना नेशनल पार्क इन वेस्टर्न असम। ऑल्सो द एल्यूसिव एनिमल हैज बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम विद इन रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशन। द फाइंडिंग विद फोटोग्राफिक प्रूफ वॉज पब्लिश्ड एज अ साइंटिफिक पेपर इन द लेटेस्ट इशू ऑफ द जर्नल ऑफ थ्रेटन्ड टैक्सा। द पेपर वॉज ऑथर्ड बाय एम फिरोज अहमद सीनियर साइंटिस्ट एट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ग्रुप अरण्यक सीनियर कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट दीपांकर लाकार निबीर में जी। ये तो हम लोग को नाम से इतना कोई मतलब नहीं है कि इन्होंने क्या किया, ठीक है, मतलब इनका काम है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं है, जिसको जानना है वो प्लीज पढ़े और जानना चाहिए हमें। मैं बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द मेनलैंड सिरो इनहेबिट्स एरिया एट एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर टू 3000 मीटर। इट्स हैबिटेशन इज अक्रॉस द बॉर्डर इन द फिल्सो वाइल्डलाइफ सेंचुरी एंड द रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान। अब देख लेते हैं इसमें हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर है, वेस्टर्न असम में। असम सबको पता था, एक वेस्टर्न असम से हमें एक थोड़ा सा पता चल गया ये वेस्ट साइड में है, ठीक है। सेकंड हमारे लिए ये क्रॉस ब्रीड है किसका, गोट एंड एंटीलोप, ठीक है। और नेचुरल हैबिटेट असम प्लस भूटान, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैप अगर आप देखेंगे हमने ये मैप देखा तो ये बीच में जैसे यहाँ पे भूटान आ रहा है, ये वाला पार्ट भूटान है, तो यहाँ से ही असम ऐसे है, ठीक है, ये असम है तो इसके वेस्टर्न पार्ट में होगा तभी ना ये भूटान और असम यहाँ पे होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से उड़ के यहाँ आ जाएगा, तो इसीलिए वेस्टर्न असम हमें ऐसे भी याद रखना है और भूटान तो हमें याद है ही, ठीक है। एक्सक्लूसिव एनिमल बिटवीन फाउंड फर्स्ट टाइम रेडियस ऑफ, ये पहली बार मिला है रेडियस 1 किलोमीटर जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम देखने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लिया जाए। और बस हमारे लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमें देख लेना है। और असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क है वो भी देख लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखो फिल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रॉयल